और आपको बताएंगे सिंध में यंग डॉक्टर्स के احتجاج का आज दूसरा रोज है। मरीज परेशान है मगर चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध कहते हैं वजीर सेहत इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अंदर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अंदर बताइएगा क्या कोई मुजाकरात अभी तक नहीं हो रहे? जी देखिए, यंग डॉक्टर की जानिब से احتجاج का सिलसिला जारी है और उनका बुनियादी मुतालबा यह है कि उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए। तमाम सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन का अजला रोक दिया गया है और इसका बुनियादी मकसद यह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो सूरत हाल सामने आई थी कि नोटिफिकेशन के अजला और अमल दरामद सूरत के अंदर कमोबेश 6 अरब रुपये दरकार हैं जो कि सिंध हुकूमत फिलहाल देने के लिए तैयार नहीं है। तमाम वाजे हिदायत थी सुप्रीम कोर्ट की भी कि तमाम सूबों के अंदर यकसा टैरिफ को नाफिज किया जाए। मुजाकरात भी हुए थे कमोबेश 15 दिन कबल। तमाम उन मुजाकरात के अंदर सूबाई वजीर सेहत वजीर कानून शरीक हुए थे। तमाम इसके बावजूद इस तमाम सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया गया, जिसके बाद आज सिंध के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की जानिब से ओपीडी का सिलसिला जारी है। आज एहतजाज का सिलसिला तकरीबन 10 बजे के बाद शुरू किया गया ताकि यहाँ आने वाले तमाम मरीजों को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और इस वक्त इमरजेंसी के अंदर आने वाले तमाम मरीजों को तमाम सहूलत फराम की जा रही है। वार्ड के अंदर जो मरीज मौजूद है उनको तमाम सहूलतें फराम की जा रही है। तमाम डॉक्टरों का कहना यह है कि जब तक उनके मुतालबात मौजूद नहीं किए जाएंगे एहतजाज का सिलसिला बरकरार रहेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अनवर।